हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक वंस अगेन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने के पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दिल करे तो लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब की ज़्यादा ज़रूरत है बिकॉज लाइव वीडियोज़ नहीं आ पा रहे हैं, नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन कम है, इसलिए प्लीज़ यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन। दोस्तों, आज इंटीग्रेशन का एक टॉपिक कर रहे हैं जो कि लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और सभी एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इंटीग्रेशन का टॉपिक उठा रहे हैं और इंटीग्रेशन में हम कर रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन टॉपिक। पार्शियल फ्रैक्शन की कुछ टेक्निक होती हैं, उनको हम आज रिकॉल करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्मेट। ओके, तो आइए देखते हैं आज हमारे पास जो टॉपिक है, दैट इज इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो टॉपिक डाल लीजिए टॉपिक में, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। आपको पता है कि जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या हुआ करता है कि इंटीग्रेशन बेहतर जो होता है वो समेशन फॉर्म में होता है। मतलब अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन यदि सम फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसका इंटीग्रेशन आप बेहतर कर पाएंगे। अगर वो मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसका इंटीग्रेशन आप बड़ी मुश्किल से कर पाएंगे। आइए इस चीज को पहले समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई टर्म आ गया, मान लीजिए कि कोई टर्म है आपके पास, सपोज 1/(x+1) +1/(x+2) ये लिखा हुआ है। अभी देखो ये बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है और आप इसका इंटीग्रेशन जो है बड़ी आसानी से कर पाओगे। कैसे? अगर इसका इंटीग्रेशन यदि मैं करने की बात करूं तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको थोड़ा बहुत बेसिक इंटीग्रेशन आता है। ओके, तो इस तौर पे यदि मैं इसका इंटीग्रेशन करना चाहूं, इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मैं लिखूंगा आई इंटीग्रल इज इक्वल्स टू 1/(x+1)। थोड़ा सा इसको यदि डिफिकल्ट बनाना है तो यहां पे मैं 3 कर देता हूं और यहां पर 4 कर देता हूं। देखिए कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप सभी को बनता भी होगा ये 3/(x+1) और 4/(x+2) का dx। तो क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, डिस्ट्रीब्यूट कर लो 3/(x+1) का dx प्लस 4/(x+2) dx। ओके, 3 बाहर आ जाएगा, टेक आउट 3, क्या आ गया 1/(x+1) dx प्लस 4/(1/(x+2) dx। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको इंटीग्रेशन बेसिक लेवल का आता है, तो ये कितना आएगा 3 log x+1 प्लस 4 log x+2 प्लस कांस्टेंट सी आता है, तो ये इसका इंटीग्रेशन आपको बड़ी इजीली बन जाएगा। देखिए अभी क्या था, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन देखो जिसका अपन ने इंटीग्रेशन किया, ये किस फॉर्म में, बीच में क्या है, प्लस है, तो यहां पर प्लस है तो आपको बड़े आराम से आपने कर लिया इसका इंटीग्रेशन। मगर थोड़े समय के लिए ये सोचो कि यदि यहां पर प्लस ना होता तो क्या होता। अगर इसको मैं थोड़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में देता, मतलब सिंप्लीफाई करके, तो सिंप्लीफाई मैं इसको कर देता तो कैसा आता, 3 × x+2 प्लस 4 × x+1 ÷ x+1 and x+2 ऐसा होता। और ज्यादा सॉल्व करता तो ये क्या क्या बन जाता भाई, ये बन जाता 3x + 6 + 4x + 4 ÷ x² + 2x + x+2 यानी x² + 3x + 2 हो जाता है। यही होता ना x² + 3x + 2। और इसको और ज्यादा क्या लिख सकता था मैं, इसको मैं लिख सकता था 7x + 6 और 4 = 10 ÷ x² + 3x + 2। देखो मतलब क्वेश्चन है क्या, यहां से आप इसको ये बनाए, इधर से इस पे ले गए और इससे इस पे ले गए, मतलब क्वेश्चन एक्चुअली यदि तोड़ दिया जाए, अगर सिंप्लीफाई कर दिया तो क्वेश्चन ये बन रहा है। मगर अब इसको यदि आप सोचो कि यहां पर तो आपने कितने मजे से इंटीग्रेशन कर लिया, देखो इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन आपने बड़े आराम से कर लिया है, बट यदि इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन आप सोचो तो कितना मुश्किल है। मतलब अगर आप देखें 7x + 10 ÷ x² + 3x + 2 ओ माय गॉड, ये तो बहुत मुश्किल है।
मतलब यहाँ कितना इजी हो गया और यहाँ कितना टफ हो गया, ये तो एक सिंपल लेवल का एग्जांपल है, इससे कई गुने डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमारा इशारा इस तरफ है कि वाई डोंट वी कन्वर्ट दिस टोटल एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ सम। ओके, यहाँ पर देखो ये कंबाइंड प्रोडक्ट फॉर्म में था तभी पावर टू बनी है, और यहाँ पर हमने इसको किस फॉर्म में कर लिया है, पावर वन की फॉर्म में। मतलब रिक्वायरमेंट ये है, इंटीग्रेशन की एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है कि जो प्रोडक्ट वर्जन होता है क्वेश्चन का, आप उसके प्रोडक्ट फॉर्म को सम फॉर्म में कन्वर्ट करो। मतलब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म को एडिशन फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट करते जा रहे हो, सो दैट विल बी बेनिफिट फॉर यू। ओके, तो ये यहाँ पे हमको करना पड़ेगा कि किसी भी प्रोडक्ट फॉर्म को आपको सम फॉर्म में कन्वर्ट करके ले जाना है, तब आपका इंटीग्रेशन बड़ी ईजिली आप बड़े आराम से कर सकते हो। सो दिस इज अवर टास्क। तो आज हम पढ़ेंगे, देखिए क्या सीखा आपने, यहां से लेके यहां तो आप आ गए हैं, तो कैसे किया आपने, यहां से लेके, एक्सक्यूज मी, फाइन, तो यहां से लेके आप जो है यहां तक तो आ गए हैं। अब कुछ ऐसा करना है कि अपन यहां से लेके यहां वापस चले जाएं। मतलब अब क्या है, ये जाना है वापस। अगर यूं यहां से लेके अगर हम यहां तक वापस चले जा रहे हैं, तो इस टेक्निक को यहां से लेके यहां पर, मतलब एडिशन फॉर्म में बदलने की प्रोसेस को बोलते हैं अपन पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, तो पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करना पड़ेगा, आज हम सीखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं बाय सम कुछ अपने फॉर्मूलेज से, कुछ उसके फॉर्मेट हैं, कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं, फॉर्मेट्स हैं, उनके थ्रू जानेंगे कि कैसे इसको आप मल्टीप्लिकेशन फॉर्म को एडिशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओके, ये जो कहलाता है दिस इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन, इस टेक्निक को बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। थैंक यू, देखते हैं आइए आगे देखेंगे इसको कैसे करेंगे। तो कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं, उनके बिहाफ पे या उनके अकॉर्डिंगली इसको हम अरेंज करेंगे, उसी के जैसे हम इस पर वर्क करेंगे। आइए देखते हैं वो स्टैंडर्ड नोटेशन क्या है। सबसे पहला, अगर आपके पास डिनोमिनेटर में लीनियर एक्सप्रेशन है, कौन से एक्सप्रेशन, लीनियर फैक्टर है। ओके, अगर आपके पास लीनियर फैक्टर है तो आप कैसे इसको अरेंज करेंगे वो देखिए। अगर आपके पास ऊपर कोई एक्स का टर्म है पी एक्स, और यहां पर आपके पास सपोज है एक्स प्लस अल्फा, इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रहे हम अभी, केवल हम फ्रैक्शन को पार्शियली ब्रेक करने की बात कर रहे हैं, इसलिए इंटीग्रल साइन नहीं लगाएंगे, इंटीग्रल बाद का काम है, पहले हम ब्रेक कर ले। तो पी एक्स अपॉन एक्स प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा इंटू, सॉरी मल्टीप्लाई में इंटू एक्स प्लस गामा। देखिए यहां पे क्या एक्स की पावर थ्री है। ओके, तो ये अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन है, आप इसको ब्रेक करना चाहते हैं, तो आप इसको कैसे ब्रेक करेंगे इस एक्सप्रेशन को, सो यू विल राइट इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन एक्स प्लस अल्फा प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बीटा प्लस सी अपॉन एक्स प्लस गामा। तो देखिए पावर कितनी बन रही थी, टोटल थ्री, क्योंकि वन पावर वन पावर वन पावर, टोटल थ्री पावर मिलता, इसलिए आपने इसको थ्री पार्ट में ब्रेक किया है। ओके, सो ये थ्री पार्ट में जाएगा, ए अपॉन एक्स प्लस अल्फा प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बीटा प्लस सी अपॉन एक्स प्लस गामा, ये तीन पार्ट में हमारा एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो गया है, और तीनों के बीच में क्या लगा हुआ है, सम, दैट इज प्लस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही हमें करना था। अब आपका सवाल होगा कि सर ए बी सी कैसे फाइंड करेंगे, तो जब क्वेश्चन आएगा तो आप देखेंगे ए बी सी बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो आप। ओके, किसी भी क्वेश्चन में। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे बताना भूल गया कि ये जो जिस टेक्निक को हम पढ़ रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास जो आपका रेशनल पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा कैसा है, रेशनल, इसे रेशनल एक्सप्रेशन बोल दो, हाँ एक्सप्रेशन ही बोलेंगे, रेशनल पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, बिकॉज ऊपर भी कोई ना कोई टर्म है, नीचे तो एक्स की पावर है ही। तो अगर आप इसको तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपका ये पॉलिनोमियल कैसा हो, रेशनल पॉलिनोमियल आपका प्रॉपर हो। प्रॉपर का मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में डिवाइड, डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर को डिवाइड ना कर सके। ओके, सो टू बीइंग अप्लाइड द पार्शियल फ्रैक्शन प्रोसेस, इट इज कंपल्सरी दैट योर फंक्शन प्रोवाइडेड इज ए
रेशनल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन. योर फ्रैक्शन शुड बी अ प्रॉपर फ्रैक्शन. अगर आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है तो आपको पहले इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा, देन आप अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोसेस. तो आपको पहले ये प्रॉपर होना चाहिए. आइए देख लेते हैं एक एग्जाम्पल इसका, एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे काम करता है. बट एग्जाम्पल के पहले दो तीन फॉर्मेट और लिखा देता हूँ जिससे कि बाद में दोबारा हमको करने की जरूरत ना पड़े. आइए देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट. अगर आपके पास ऊपर कुछ भी है, पी एक्स मीन समथिंग एक्स का कोई टर्म है, एंड हियर एक्स प्लस अल्फा का होल क्यूब एंड एक्स प्लस बीटा. ओके, टोटल पावर देखिए चार है, थ्री पावर इसके पास है, एक पावर इसके पास है, तो फोर कोफिशियंट आएंगे. सो योर कोफिशियंट विल बी ए अपॉन एक्स प्लस अल्फा प्लस बी अपॉन एक्स प्लस अल्फा का स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस अल्फा का पावर थ्री प्लस डी अपॉन एक्स प्लस बीटा. ये प्रोसेस आपकी रहेगी और आप इससे आगे जाके इसको सॉल्व कर पाएंगे. तो क्या देखा आपने कि अगर रिपीटिंग पावर है, ये रिपीट हो रही है, पावर थ्री है, थ्री मतलब थ्री टाइम्स रिपीट हुआ है, तो पहले सिंगल पावर, फिर डबल पावर, फिर ट्रिपल पावर, फिर एक्स प्लस बीटा, लास्ट में सिंगल पावर का जो रिपीट है वो करेंगे. आप किसी को भी ए बी सी डी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है, इसमें कोई ये नहीं कि इसको ए देना है, इसको बी देना है, सी देना है. तो कुल मिला के ये ऐसी एक्सप्रेशन होगी, अगर एक थ्री पावर की और एक सिंगल पावर की, तो ये चार टर्म में टूटेगी, वन टू थ्री फोर, फोर मैक्सिमम टर्म में टूटेगी एक्सप्रेशन. ओके, एक और देखते हैं. पी एक्स अपॉन एक्स प्लस अल्फा एंड एक्स स्क्वायर प्लस बीटा. देखो भाई क्या हो रहा है, यहां तो ये लीनियर टर्म है और ये है क्वाड्रेटिक, ये टर्म लीनियर है और ये टर्म क्वाड्रेटिक है. ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे आप, तो ऐसी सिचुएशन में यू विल राइट ए अपॉन एक्स प्लस अल्फा प्लस, ये जो सेकेंड टर्म है ना, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस बीटा, इसके लिए याद रखिएगा आपको, आप इसके लिए रखेंगे बी एक्स प्लस सी. मतलब यहां पर पहले में कॉन्स्टेंट आया है, बट यहां पर लीनियर टर्म आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा. बस ये तीन फॉर्मेट है, अगर आप इन तीन फॉर्मेट को अच्छे से याद कर सकते हो तो दैट इज एनफ. इन तीन फॉर्मेट से ही आपका सवाल जो है बन जाएगा, जो आपको क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, है ना, वो इन तीन फॉर्मेट से ही आएंगे. तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इन तीन फॉर्मेट को अच्छे से कर लीजिए. ओके, तो ये तीन फॉर्मेट हो गए. अब आइए इस पर एक हम क्वेश्चन कर देते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये काम कैसे करता है. चलिए देखते हैं क्वेश्चन. चलिए देखिए, जैसे एक क्वेश्चन मैं उठा रहा हूं आपके सामने कि आपको कोई क्वेश्चन मैंने दे दिया कि इंटीग्रेट करना है, कि समथिंग मान के चलो कुछ ले लो, यहाँ पे 3x ले लो अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6dx, ये इंटीग्रेशन है. तो इंटीग्रेट करना आपको 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6dx. ओके, देखो सबसे पहले देखो कि ये प्रॉपर है कि नहीं है. ऊपर का डिग्री कितना है, देखो न्यूमरेटर का 1 है, डिनोमिनेटर का डिग्री कितना है 2 है. मतलब ऊपर का डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर का डिग्री 2 है, मींस यू कैन नॉट डिवाइड इट एट ऑल, आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते हो. दिस मींस दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, सो फर्स्ट थिंग वी आर श्योर दैट दिस इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, और इट इज प्रॉपर रेशनल पॉलिनोमियल, दोनों बातें कह सकते हैं. अब दूसरी बात क्या करना है कि सबसे पहले डिनोमिनेटर को चेक करो कि क्या ये लीनियर टर्म्स में ब्रेक हो सकता है कि नहीं हो सकता है. अगर ये लीनियर टर्म में ब्रेक हो गया तभी इसमें आप पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक का इस्तेमाल कर पाओगे. सो चेक वेदर द डिनोमिनेटर कैन बी ब्रेक अप इनटू द लीनियर टर्म्स. यस ऑब्वियसली आप 3x अपॉन x प्लस 2 एंड x प्लस 3, बहुत बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि 3x अपॉन x प्लस 2 x प्लस 3 की फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया है. ओके,
अब देखिए ये आपके पास एक पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक के पार्ट का आपको इंटीग्रेशन करना है, इतने पार्ट का। और ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि इसको हम समेशन फॉर्म में लेके जाएं। तो अब हमें पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना पड़ेगा। तो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक, तो पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक का यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, 3x अपॉन x प्लस 2 x प्लस 3 इज इक्वल्स टू, देखिए क्या है, लीनियर फैक्टर है ना, लीनियर, तो कितने आएंगे, एक ए टर्म है, इसके लिए a लग दो, a अपॉन x प्लस 2 प्लस b अपॉन x प्लस 3, गिव इट इक्वेशन नंबर 1, ओके, x प्लस 2 x प्लस 3, थोड़ा प्रोसेस करिए इसको, 3x अपॉन x प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल्स टू a अपॉन a मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 3, एलसीएम ले लिया सिंपल, एंड b मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2, एंड यहां आएगा x प्लस 2 एंड x प्लस 3, ये कैंसिल हो गए, तो 3x इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 3 प्लस b मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2, ओके, b मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2, ये बन गया, ये एक आइडेंटिटी है, इक्वेशन नंबर 2 जो दिख रहा है ये आइडेंटिटी है, और आप जानते हैं कि आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, जो आइडेंटिटी होती है वो x की हर वैल्यू के लिए ट्रू होती है। तो हम सबसे पहले 1/1 करके हमें वैल्यू निकालनी है, एक बार a की एक बार b की, ओके, तो तरीका क्या है, देखिए एक बार आप x प्लस 2 को 0 पुट कर दो, ये 0 पुट कर दोगे तो a आ जाएगा और ये 0 पुट कर दोगे तो b आ जाएगा, ओके, तो ये मेरे पास आइडेंटिटी बनी है। आपके पास डिनोमिनेटर में दो चीजें हैं, एक ये है और एक ये है, तो 1/1 करके आपको 0 करना है, एक बार x प्लस 2 को 0 करना है, एक बार x प्लस 3 को 0 करना है। मे भी कुछ लोगों के मन में सवाल उठ सकता है कि सर आप 0 क्यों कर रहे हैं, देखो आइडेंटिटी जो होती है ना वो x की हर वैल्यू के लिए वैलिड हुआ करती है, और ये आपने एक वैलिड नोटेशन लिखा उसके तहत ये आपको चीज मिली है। सो दिस एक्सप्रेशन, दिस आइडेंटिटी इज वैलिड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वैलिड होता है x की हर वैल्यू के लिए, ऐसे ही ये भी x की हर वैल्यू के लिए वैलिड होगा, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। तो आइए हम सबसे पहले किसको पुट करते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट करते हैं, पुट x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू माइनस 2, तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 पुट किया मींस x इक्वल्स टू माइनस 2, तो एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 6, माइनस 6 इक्वल्स टू a इंटू x प्लस 3, माइनस 2 प्लस 3 प्लस b, और x प्लस 2 की वैल्यू क्या रखी है 0, तो हमारे पास आ गया कितना, माइनस 6 इक्वल्स टू a इंटू 1, सो फर्स्ट हमारे पास आया a की वैल्यू माइनस 6, ये a आ गया हमारे पास, ओके, देन अब अगेन पुट x प्लस 2 इक्वल टू 0, अच्छा x प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट किया तो a आ गया, अब x प्लस 3 इक्वल टू 0 पुट करो, पुट x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x इक्वल्स टू माइनस 3, ओके, तो पुट करेंगे तो 3 इंटू माइनस 3 व्हाट इट विल बी, माइनस 9, 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9 इक्वल्स टू a इंटू 0 प्लस b माइनस 3 प्लस 2, सो माइनस 9 इक्वल्स टू b इंटू माइनस का 1, सो b इक्वल्स टू कितना 9, तो हमारे पास a भी मिल गया b भी मिल गया। अब क्या करना आपको, a और b का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, क्योंकि यही हमारा एक्सप्रेशन बनेगा फाइनली, सो फ्रॉम 1 फ्रॉम फर्स्ट 3x अपॉन x प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल्स टू a, a का वैल्यू कितना है माइनस 6 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 प्लस 9 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। देखो भाई क्या हुआ है,
a की जगह माइनस सिक्स आई है तो माइनस सिक्स अपॉन एक्स प्लस टू, एंड b का जगह पे कितना आया है, नाइन आया है, सो एट द प्लेस ऑफ b वी कैन पुट हियर एक्स प्लस थ्री. सो नाउ इंटीग्रेट करना है, अब इंटीग्रेट कर दीजिए. सो इंटीग्रेशन ऑफ 3x अपॉन x प्लस टू एक्स प्लस थ्री डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस सिक्स कॉन्स्टेंट है, वन अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स प्लस नाइन कॉन्स्टेंट है, वन अपॉन एक्स प्लस थ्री, और यहां पे क्या आएगा डी एक्स. दिख रहा है, दिख रहा होगा, ओके, एक्स प्लस थ्री डी एक्स. सो कितना हो गया, माइनस सिक्स, वन अपॉन एक्स प्लस टू का डिफरेंस इंटीग्रेशन कितना होगा, वन अपॉन टू लॉग ऑफ एक्स प्लस टू प्लस नाइन लॉग ऑफ एक्स प्लस थ्री और प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी. सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ सच अ क्वेश्चन दैट कैन बी सॉल्व बाई यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक. तो इस तरीके से आप जो है पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ओके. सो फाइन, ये हमारा आज का एक मेथड था. इसको मेमोराइज कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए. आप एनसीईआरटी, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन एनसीईआरटी, सो बेटर यू गो थ्रू एंड सॉल्व ईच टाइप ऑफ क्वेश्चन लाइक दिस, ओके. एंड इफ यू फील एनी क्वेरी काइंडली मेरे को बताइए ग्रुप में कि कौन सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है, देन आई विल सॉल्व दैट क्वेश्चन. थैंक यू सो मच. Kindly subscribe my channel. Stay tuned with Lokesh Sir Unlimited Study Zone. Have a good day. Bye-bye.